प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और हम लोग सीटेट के लिए एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इस एग्जाम पॉइंट श्रृंखला का यह डेमो वीडियो है। आपको इसी प्रकार की एग्जाम पॉइंट श्रृंखला आपको दी जाएंगी। यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाता है और कैसे हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक एग्जाम पॉइंट में आपके 30 प्रश्न होंगे और उन 30 प्रश्नों के एग्जाम पॉइंट्स भी आपके साथ इंक्लूडेड होंगी। और जैसे ही आप आगे की दिशा में बढ़ते जाएंगे, अभी आपके साइंस से स्टार्ट किया जा रहा है, 6 से 8 लेवल की जो आपका पेपर होता है उसके लिए है, साइंस से आपका स्टार्ट किया जा रहा है। फिर इसके बाद आपका अलग अलग सब्जेक्ट को भी ऐड करते चले चलेंगे और एक दिन में 5 एग्जाम पॉइंट को करेंगे, यानी 5 सब्जेक्ट के एग्जाम पॉइंट जो आपके होंगे उन्हें किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद द अदर बोन इज कॉल्ड, कह रहा है वह ऊतक के बारे में बताइए जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का कार्य करता है, उसके बारे में आपको बताना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है वह ऊतक जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इसके सभी आंसर आपके इंग्लिश के सब, जैसे यहाँ पे कार्टिलेज लिख दिया गया था, यहाँ एडिपोज लिख दिया गया था, यहाँ एपिथीलियम, यहाँ पे लिगामेंट लिख दिया गया था, इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन लिखा गया है आपका इंग्लिश वाला। अगर जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे हिंदी वाले ऑप्शन भी आपके लिखे रहेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा आंसर सही होगा। अब आपको यहाँ बताना कि एक बोन दूसरे बोन को जोड़ती है और ऐसे जोन को, जोड़ को क्या कहा जाता है जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, इसी आंसर को बताना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन अगर आपको आंसर आता तो आप आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप एग्जाम पॉइंट की सहायता लीजिए। एग्जाम पॉइंट पे आते हैं, कह रहा वह ऊतक जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है स्यान या लिगामेंट के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट या हिंदी में स्यान के नाम से जाना, स्नायु के नाम से जाना जाता है। तो स्यान, स्नायु या लिगामेंट जो होता है आपका वो कौन होता है, ये होता है आपका सही आंसर। फिर उसके बाद दिया है कि यहाँ देखिए वह ऊतक जो पेशी को, यानी पेशी अस्थि को किससे जोड़ता है, पेशी को अस्थि से, यानी मांसपेशियों को अस्थि से हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कंड्रा या टेंडन कहते हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं रखा गया है। कंड्रा या टेंडन जो होता है मांसपेशियों को किससे जोड़ता है, जल्दी बताइए, कंड्रा या टेंडन जो है मांसपेशियों को जोड़ देता है हड्डी से। अगर मांसपेशियाँ हड्डी से जुड़ रही हैं तो उसे कंड्रा या टेंडन कहते हैं, अगर हड्डी हड्डी एक दूसरे से जुड़ रही तो उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। कई बार आप देखते हैं कोई गिर जाता है, चोट लगती है तो डॉक्टर कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ये वार्म जो आती है पट्टी आती है उसे लगा लीजिए, गर्म पट्टी को, और डॉक्टर कह देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, बोन में फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंट फ्रैक्चर। लिगामेंट फ्रैक्चर मतलब जहां से दो बोन जुड़ रही थी वही लिगामेंट आपका फ्रैक्चर हो गया है। अगली एग्जाम पॉइंट यहाँ पे, उपकला अर्थात एपिथीलियम ऊतक जंतु शरीर की त्वचा खोखले अंतरालों जैसे कि मुख गुहा में, श्वास नली में, रुधिर वाहिनियों में पाए जाते हैं और ये भीतर तथा बाहरी दोनों आर्गन का क्या करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। एपिथीलियम ऊतक का एक और काम होता है कि यह म्यूकस निकालता है, क्या निकालता है, चिपचिपा द्रव्य निकालता है, जैसे आपके नाक से निकलता रहता है वैसे। आगे एक ऑप्शन और रखा गया, वसामय ऊतक अर्थात एडिपोज त्वचा के नीचे पाया जाता है। ऊंट का जो कुबड़ होता है, ये प्रश्न पूछा गया, ऊंट का कुबड़ जो होता है वसामय ऊतक से बना होता है, ऊतक का पाया जाता है जो वसा का संचय करता है। यह ऊतक वसा संग्रह अतिरिक्त तापरोधी परत की भांत कार्य करता है, यानी ताप को रोकने का भी कार्य करता है अतिरिक्त तापरोधी। तो प्रश्न तो हमारा एक था लेकिन इससे एग्जाम पॉइंट कितने थे, 4 थे। अगर हम अब एवरेज निकालें तो 30 प्रश्न के एग्जाम पॉइंट अगर हम 4 की जगह पे एवरेज निकालते हैं, किसी किसी में एक ही हो रहेगी, तो हम 3 से निकालते हैं तो आपके लगभग 100 एग्जाम पॉइंट एक दिन में एक वीडियो में तैयार होने वाले हैं। ये इसका पैटर्न है, इसी पैटर्न से हम आगे की दिशा में बढ़ने वाले हैं। स्पीड थोड़ी सी तेज आपको लग रही है, स्पीड और स्लो हो जाएगी और इस बार कलर बहुत कम किए गए हैं, एक कलर भी आपको मिलते रहेंगे। जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं वो आपको कलर करके दिए जाएंगे जिससे आपको पढ़ने में और फोकस ऑफ द पॉइंट होने में इजी होगा। तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये चीज़ें श्रृंखला आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सैटरडे को पहली श्रृंखला मिलेगी, आज फ्राइडे है और इस फ्राइडे को आपको ये एक तरह से डेमो वीडियो के रूप में आपको दिया जा रहा है। यही वीडियो आपको कंप्लीट जो है सैटरडे को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है बीबी पेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इन, बीबी पेरस जर्मिनेशन जिसे जरायुज कहते हैं और कहीं पे पितृस्थ नाम से लिखा जाता है, पितृस्थ पौधा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
अब बेबी पैरस जर्मिनेशन का मतलब होता है, पहले बेबी पैरस मतलब होता है बच्चे को पैदा करना, यानी बच्चे को जन्म देना। लेकिन अगर मनुष्य होता या कोई जंतु होता तो जंतु में तो हम समझ जाते हैं कि जितने मेमेलिया होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं, इसमें भी तीन तरह के होते हैं, लेकिन मोस्टली स्तनधारी जो है बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, तो ये तो मान लीजिए वहां सही हो जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे अंकुरण की बात हो रही, जर्मिनेशन की बात हो रही, तो यहाँ पे हम राइजोफोरा के पास जाएंगे। राइजोफोरा क्या है? एक प्रकार का मैंग्रोव वनस्पतियां। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? दलदल में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? दलदल में पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पतियों की ये विशेषता होती है कि इनकी जड़ें जो होती हैं ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण की होती हैं। ध्यान सुनिएगा, इनकी जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है नीचे तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर घूम करके ऊपर आ जाती हैं और खूंटी के रूप में ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ती हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम साइंस में और जो है ईबीएस में हम डायग्राम को भी आपको लगा करके दिखाएंगे, ताकि आसानी से उस प्रश्न को हम इजीली समझ पाएं और दोबारा से जब वो प्रश्न हमारे सामने आए तो वह कभी गलत ना हो। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। तो एग्जाम पॉइंट में यहाँ क्या लिखा गया, देखिए, जो मैंग्रोव बीजों के जरायु अर्थात बीबी पैरस अंकुरण के लिए राइजोफोरा यानी मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है, ऐसा इसलिए होता है दलदल में ऑक्सीजन की होती है कमी, और जब वो बीज नीचे जाके अंकुरित होगी तो अंकुरित नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, तापमान और पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो दलदल में पानी तो मिल जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी जिसकी वजह से वो बीज सड़ जाएगी। तो उस पहले से अंकुरित होकर के बीज के अंदर यानी फल के अंदर ही बीज अंकुरित होकर के नीचे जाता है, यही कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पितृस अंकुरण, जरायुज अंकुरण या बीबी पैरस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है कि प्रायः बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन ही खाली नहीं चाहिए, बल्कि पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तापमान चाहिए। लवणी, जो लवणी दलदल होता है वहाँ ऑक्सीजन की क्या होती, कमी होती है, हेलोफाइट रीजन कहा जाता है दलदली भाग को, और वहाँ पे किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की। अतः बीज मात्र पौधे से जो माता है यानी जो पौधा है उसी में के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, और ऐसे अंकुरण को पितृस अंकुरण कहते हैं, जरायुज अंकुरण कहते हैं, बीबी पैरस अंकुरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे देखिए मैंगो है, मैंगो फल जो है, पोटैटो के आलू है, आलू जो है क्या है, ये रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है, इसे ट्यूबर के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं, ट्यूबर के नाम से जाना जाता है, अक्सर एग्जाम में ट्यूबर दे देता है, ये जो है क्या है, तने का रूपांतरण है। सुगर केन गन्ना तो सभी लोग जानते हैं तना है, और इसमें से जो है सुक्रोज नामक क्या निकलता है, डाइसेक्राइड पाई जाती है, सुक्रोज नामक यहाँ पे डाइसेक्राइड पाई जाती है, याद रखिएगा सुक्रोज नामक डाइसेक्राइड पाई जाती है, चूंकि भोजन वाली जो टॉपिक है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ना है। फिजिक्स से एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट की एसआई उष्मा यानी उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक जो उष्मा का होता है वो होता है आपका कौन सा, तो पहले यहाँ देखिए प्रश्न को देखिए, कह रहा है उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः दोनों वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण एक दूसरे में स्थानांतरित होती हैं, स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा उष्मा कहलाती है, अतः उष्मा का मात्रक क्या होगा, उष्मा ऊर्जा का मात्रक ही जो है किसका मात्रक होगा, उष्मा का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल जो है एसआई मात्रक होगा उष्मा का। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कह रहा है इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज फ्रॉम द 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड देन द वर्किंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कह रहा है कि यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक है से बढ़ाकर 25 मात्रक हो जाए तो कार्यरत बल होगा, कार्यरत बल कितना होगा, तो आपको बताना कितनी यूनिट कार्यरत बल आएंगे। तो यहाँ आप देखिए बल का आवेश, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय में कार्यरत हो तो वह बल समय के गुणांक के उस वस्तु के आवेग कहते हैं, इसे संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एफ, अगर हम एफ निकालना चाहें, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ के जगह पे ए मल्टीप्लाई में है, तो यफ को अगर हम इधर ले जाएंगे, इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि टाइम 5 सेकंड है, पी वन है हमारा 10 है, पी टू हमारा 25 है, तो ये फार्मूला हो जाता है यफ इजकल टू पी टू माइनस पी वन अपान जो है टी। तो ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 10 अपान 5, तो ये दोनों 10 से जाए 15/5, तो हमारा हो जाएगा 3 न्यूटन बल हमारे पास आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अब आपको मैंने बता दिया कि इसी तरह के प्रश्नों का हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं, इसी तरह के प्रश्नों को हम कराने वाले हैं, इसी तरह से कराने वाले हैं, और भी इसमें आगे की बेहतर दिशाएं बढ़ेंगी ही, घटने के चांस नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल से हम आपको करवा रहे हैं, तो आप इसको जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, इस बात का मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।